हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। बच्चों, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस अभी अभी निकाला गया है हरियाणा टीईटी को लेकर के, क्योंकि आपके साथ मैंने एक नोटिस शेयर किया था 2 दिन पहले हरियाणा टीईटी को लेकर के कि फॉर्म आ चुके हैं, 7 दिन के लिए फॉर्म आए हैं, जिसको भी भरने हैं वो भर सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे जिसने भी बच्चे ने सीटेट पास कर रखा है। जैसे आप सभी को पता है, जिसने भी सीटेट पास कर रखा है वो अदर अदर स्टेट के भर्ती में बैठ सकता है। और अब की बार ये नोटिस आया है, इसमें कुछ अलग चेंज देखने को मिला है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। चलिए एक बार ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं। ये ऑफिशियल नोटिस है आपके सामने, जो हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज किया गया है 16 सितंबर 2022 को। इसमें क्या बताया गया है, देखिए, हरियाणा एचटेट यानी एचटीईटी 2022, इसके फॉर्म अभी चले हुए हैं। जो भी कैंडिडेट हरियाणा की भर्ती में बैठना चाहता है टीचर की, वो इस फॉर्म को भरेगा। लेकिन अभी तक क्या होता था, जिस भी कैंडिडेट ने अपना सीटेट पास कर रखा है वो इस वैकेंसी में बैठ सकता था। लेकिन इस नोटिस के माध्यम से हरियाणा सरकार ने ये बता दिया है कि जिस भी बच्चे का सीटेट पास है अब वो इस भर्ती में नहीं बैठ पाएगा। पीआरटी और टीजीटी के लिए अगर आपने सीटेट पास कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं है। आपको हरियाणा टीईटी का जो परीक्षा है वो देनी पड़ेगी और उसको पास करना पड़ेगा, तभी आप इन वैकेंसी का फॉर्म भर पाएंगे जो हरियाणा के अंदर निकाली जाती है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑर्डर नंबर ये सब यहाँ पर दिया गया है। ठीक है बच्चों, अगर आप चाहेंगे कि हरियाणा भर्ती में बैठने के लिए शिक्षक की, तो आपको हरियाणा टीईटी पास करना पड़ेगा। आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड एचटेट की, तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। थैंक यू।